राम रहीम के चाहने वालों की अब भी कमी नहीं है। दरअसल 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन था और राम रहीम के चाहने वाले जन्मदिन की बधाई देने के लिए डाक का सहारा ले रहे हैं। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं और स्थानीय डाकघर में रोजाना हजारों चिट्ठियां और ग्रीटिंग कार्ड्स पहुंच रहे हैं। डाकखाने के कर्मचारियों की माने अगर तो पिछले एक हफ्ते से उनका काम बहुत बढ़ गया है। पहले जहां डाकखाने में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक काम होता था, लेकिन बीते एक हफ्ते से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम होता है। 6 दिन से हम लोग 15-20 बैग स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री ऑर्डनरी हैं, जिसके अंदर 80% बाबा की है, ग्रीटिंग कार्ड हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज रहे हैं, को रजिस्ट्री के द्वारा हैं, ऑर्डनरी डेट ऑर्डनरी का जो कार्ड हैं वो भी 500 के लगभग डेली अलग भेजे जा रहे हैं। इससे हमारा काम बहुत बढ़ गया है, करीबन एक एक घंटा काम लेट करके हम इसको कंट्रोल करके भेज रहे हैं। डॉक्टर पहले भी आ जाते जी, पर इतनी नहीं आ रही थी देखी थी रिपोर्ट, इससे ज़्यादा डाका जानी पहले भी रीप ज़्यादा घड़ी आ रही है। बाबा बाबा भी जी राम जी नहीं, इसकी ज़्यादा आ रही थी। राम रहीम को साध्वी यौन शोषण केस में सीबीआई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। राम रहीम फिलहाल सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन था और उसके बाद से ही लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। संदेश भेजे जा रहे हैं, लोग सुनारिया गांव के डाकघाने में रोजाना कई बैग चिट्ठियां और ग्रीटिंग कार्ड भरकर पहुंच रहे हैं, वो भी सिर्फ राम रहीम के नाम से। डाकघाने के पोस्ट मास्टर के मुताबिक वो पिछले 20 साल से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक आदमी के नाम पर इतनी चिट्ठियां और ग्रीटिंग्स पहले कभी नहीं आए। आलम यह है कि डाकघाने में पहले जहां काम 4 घंटे में हो जाता था, उस काम को करने में अब रोज के 8 से 10 घंटे लग रहे हैं, वो भी सिर्फ राम रहीम को मिलने वाले शुभकामना संदेशों के कारण। चलिए आप उसी